हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में सुधामा चरित जो पुस्तक है उसमें 19 पद हमने पढ़ लिए हैं और ये 20वां पद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सुधामा और उनकी पत्नी सुबुद्धि के मध्य वार्तालाप चल रहा है। सुदामा ने एक बार अपनी पत्नी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा है वे हमारे मित्र हैं। इस बात से प्रभावित होकर सुदामा की पत्नी उन्हें द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास भेजने की जिद कर रही है। वो उनसे बार बार कह रही है कि आप द्वारिका जाइए और भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगिए, उनके द्वार पर जाइए। सुदामा अनेक प्रकार से तर्क देते हैं कि अब तक हमने जीवन काट लिया है, वृद्धापन वृद्धावस्था हो चुकी है, अब हमें किसी के एहसानमंद होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पत्नी उन्हें बार बार समझाती है भाई कि घर में खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, टूटा सा छप्पर है, बर्तन तक नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कृष्ण की मित्रता भी है और हम दुखी रहे तो वो मित्रता भी किस काम की। फिर सुदामा की पत्नी को समझाती है कि कृष्ण के द्वार पर अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपकी शुद्ध होगी, आपकी शुद्ध संसार समार होगी, आपको पुकारा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। सुदामा जी कहते हैं कि वहां बड़े बड़े राजा होते हैं, तुमने द्वार राज दरबार देखा नहीं है। इस प्रकार दोनों में वार्तालाप चल रहा है। अब सुदामा जी पुनः कहते हैं, सुदामा की पत्नी ने कहा कि कृष्ण का द्वार है, अगर आप जाओगे तो सबसे पहले कृपा निधि जो भगवान श्री कृष्ण है आपको बुलाएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी उनकी एक आंख के इशारे मात्र से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सुदामा कहते हैं कि कृष्ण का द्वार ऐसा ही है। तो देखिए कि ते तो कही नेकी, ये 20वां पद हम पढ़ रहे हैं कि ते तो कही नेकी सुनी बात हित ही कि यह रीति मितई की नित प्रीति सरसाई है, मित्र के मिले ते चित्र परस्पर परस्पर, मित्र के जे जइए तो आप जिवाइए, वे है महाराज जोरी बैठे समाज भूप, तहां यही रूप जाय कह सकुचाइए, सुख दुख करी दिन काटे ही मनंगे भूली, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। तो देखिए कि तेते कही नीकी कि तुमने नीति की बात कही है, अच्छी बात कही है। तैते कही नीकी कि तुमने अच्छी बात कही है कि कृष्ण के पास अगर जाओगे तो उनकी आपकी सारी गरीबी मिट जाएगी। ये सही बात है, नीति की बात है जो पहले पदों में पढ़ा है, और बात हित ही की और मेरे हित की ही बात है, मेरी भलाई की बात है और सही बात है कि यह रीति मित्र की नित प्रति सरसाई की मित्र की नीति है। मित्र की नीति क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर अपने मित्र की मदद करनी चाहिए कि यही रीति मित्र की, कि ये रीति है मित्रता की। कौन सी रीति? कि कष्ट पड़ने पर अपने मित्र की मदद करना, कष्ट पड़ने पर अपने मित्र की मदद करना, ये रीति है, ये नियम है। और ऐसी रीति को नित्य प्रीति सरसाइए, ऐसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी बढ़ाई करनी चाहिए कि तुमने नीति की बात कही है, मेरे हित की बात कही है, ये रीति मित्रता की है, उसकी सराहना करनी चाहिए। और आगे क्या कहते हैं कि मित्र के मिले ते चित्त चाहिए परस्पर, अगर मित्र अगर हमको मिल जाए तो चित्त से मन से उसको परस्पर चाहना चाहिए, उससे प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। मित्र के मिले ते, अरे मित्र के मिलने से चित्त चाहिए परस्पर, परस्पर चित्त होना चाहिए, परस्पर प्रेम होना चाहिए, प्रेम के साथ मिलना चाहिए, और मित्र के जी जाइए तो आप जिवाइए। और मित्रता ध्यान रखिए बराबर किसी होती है,
कि जो मित्र के जो जेही है, जेहन खाते हो, प्राप्त करते हो, भोजन कर रहे हो, कि मित्र के यहाँ पर जैसा आप भोजन करते हो तो आप जिवाइए, उसको भी आप उसी प्रकार से भोजन करवाइए, या मित्र को आपको जैसा देता है, मित्र से जैसा प्राप्त करते हैं, वैसे ही आप भी मित्र को प्रदान कीजिए। वे है और अब, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मैं भिखारी हूं और वो महाराज है, तो देखिए कि वे है महाराज, भगवान श्री कृष्ण है वो महाराज है, जोरी बैठे तो समाज भूप, कि वो भूप समाज की जोड़ में बैठते हैं, बराबर में बैठते, जोरी का मतलब बराबर, कि फिर भूप समाज में राजाओं के बराबरी में बैठने वाले वो महाराज हैं, और तहां यही रूप जाए कहा सको चाहिए, और वहां उनके बराबर में ये रूप लेके जाऊंगा कि जिसके पैरों में बुराइयां फटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, धूल मिट्टी सनी हुई है, वृद्ध सा चेहरा है, कमर झुकी हुई है, ऐसा चेहरा, ऐसा स्वरूप लेके भी कृष्ण के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मेरे मित्र हैं। कितनी संकोच वाली बात है कि एक तरफ तो मैं जो राजाओं के राजा महाराज भगवान श्री कृष्ण वो राजा है, और उनके सामने एक दरिद्र सा भिखारी, दीनहीन याचक, जिसके पास खाने को अनाज नहीं है, दाने नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, ऐसा दीनहीन याचक का सा वेश लेकर जाके उनसे कहूंगा कि आप मेरे मित्र हैं, तो तहां यही रूप जाए कहां सक जाए, कितने संकोच वाली बात है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। इसलिए सुख दुख करी का दिन काटे ही बनेंगे भूली, अरे जैसे भी भूले बिसरे सुख दुख में जैसे दिन कट रहे हैं, वैसे के वैसे दिन को काट लीजिए, और विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। इसलिए कैसे भी विपत्ति पड़ जाए, कैसा भी कष्ट हो जाए, हमें मित्र के द्वार पर जाना नहीं चाहिए। तो सुदामा जी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि तुमने जो कही है कि कृष्ण के पास जाओगे तो आपकी सारी दरिद्रता, आपकी गरीबी, आपकी चिंता, शोक सब मिट जाएंगी, लेकिन जो मित्र आपको प्रदान करता है, देता है, खिलाता है, वैसा ही आपको भी खिलाने की क्षमता होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो बड़े बड़े राजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं, वो राजाओं के बीच में बैठने वाले हैं, उनके सामने ये मैं फटे हाल भिखारी सा रूप लेके जाऊंगा, कितनी संकोच की बात है। इसलिए हे सुबुद्धि, जैसे दिन कट रहे हैं भूले बिस्तरे में, दुख सुख में, वैसे काट लो और दिन पूरे हो जाएंगे, कितनी सी अवस्था बची है, कितना ही कष्ट हो लेकिन विपत्ति में मित्र के द्वार पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा सुदामा जी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। अब सुबुद्धि उनकी पत्नी है, वो उन्हें अपने पति को समझा रही है, प्रेरित कर रही है कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास आओ, और वो दूसरा तर्क दे रही है, क्या तर्क दे रही है कि विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है, पढ़े एक चटसार कहो तुम क्यो बार, लोचन अपार बे तुम्हें न पहचानी है, एक दीन बंधु कृपा सिंधु फिर गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जी जानी है, नाम लेत चौगुन गए ते द्वार सौ गुनी, सौ देखत सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानी। सुबुद्धि अपने पति सुदामा को पुनः प्रेरित कर रही है, सुदामा की हिम्मत नहीं पड़ रही है, अपनी गरीबी, अपने दीन हाल को देखकर वो झेप रही है, फिर भी सुदामा उसको सुदामा की पत्नी सुदामा को प्रेरित कर रही है कि विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सब ही की सुधी ऐसे महादानी है, कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो विप्र के भगत है, विप्र यानी ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों के भगत है, अर्थात ब्राह्मणों की सार संभाल करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण के पास तपबल होता है, जो तपबल से समाज का कल्याण करता है, समाज की कल्याण की कामना करता है, वो ब्राह्मण उसकी संभाल कौन करेगा, उसकी परवाह भगवान करेंगे। तो कवि कह रहा है कि विप्र के भगत हरि, कि जो भगवान श्री कृष्ण है ब्राह्मणों के भगत है, अर्थात ब्राह्मणों की मदद करने वाले हैं, जगत विदित बंधु,
और संसार में ये विदित है, संसार को मालूम है, जगत विदित संसार में ये विख्यात है कि वो गरीबों के भाई है। देत लेत सभी की सुधी ऐसे महादानी है, और उस सभी की सुध लेने वाले हैं ऐसे महान दानी है। ऐसे वैसे दानी नहीं है कि पंक्ति में खाना खिलाने लगे, चार आदमी को खाना खिलाए और चल दिए भाई कि मेरे पास इतना ही भंडारा था, मैंने हो गया पूरा, अब आगे जो है वो मरो भूखे, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसी महादानी है जो ले तो सब ही की सुधी ऐसे महादानी है कि वो सबकी सुध लेने वाले हैं। जो भी उनके सामने आएगा उसकी सुध लेंगे, उसको संभाल करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसको का कल्याण करेंगे, उस पर कृपा कर देंगे। ऐसे महादानी है कि जो भी उनके सामने आता है उस पर वो कृपा कर देते हैं, उसकी दुखों को दूर कर देते हैं। ऐसे महादानी है, दो चारों को नहीं, जो भी सामने आता है, जो उनसे मांगता है उसका वो कल्याण कर देती है। पढ़े एक चटसार कहो तुम एक कई बार, चटसार होते पाठशाला को, कि पढ़े एक चटसार कहो तुम कहो बार, कि तुमने कितनी बार कहा दिया, कह दिया इस बात को कि कृष्ण और मैं एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, एक स्कूल में पढ़ा करते थे। और ये बात भी सही है कि अगर एक स्कूल में पढ़ते हैं, सहपाठी है, तो अपने यार की, अपने साथी की, अपने दोस्ती मदद नहीं करेंगे क्या? कृष्ण जरूर करेंगे। कि पढ़े एक चटसार कहो तुम की बार, कि एक ही पाठशाला में तुम पढ़े हो, इस बात को आपने कितनी बार कही है, कई बार कही है। लोचन अपार बे तुम्ही न पहचानिए, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कभी कि उनकी लोचन अपार है, बहुत सारी असंख्य आंखें है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण है, उनकी हजारों आंखें हैं, उनकी असंख्य आंखें हैं, वो हर जगह दीवारों के पार भी, गहराई में भी, हर जगह जहां उनके भक्त उनको पुकारते हैं उस जगह वो अपने भक्त की सहायता के लिए आते हैं, उसकी पीड़ा को देख लेते हैं कि मेरा कौन सा भक्त कहां पीड़ा में पड़ा हुआ है। तो लोचन अपार बे तुम्हें न पहचान, उनकी तो अपार लोचन है, असंख्य आंखें हैं, कैसे नहीं पहचानेंगे आपको? आप अगर एक बार द्वार पर चले गए तो आपको जरूर पहचानेंगे। तो देखिए कि लोचन अपार बे तुम्हें न पहचानेंगे, कि उनकी अपार लोचन है तो कैसे नहीं पहचानेंगे। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फिर गुरु बंधु, एक तो वो भगवान कृष्ण दीन बंधु है, गरीबों की मदद करने वाले हैं। एक दीन बंधु, कि भगवान जो कृष्ण है वो दीनों की बंधु है, गरीबों की मदद करने वाले, कृपा सिंधु कृपा के सागर है, वो क्या है, कृपा के सागर है। फिर गुरु बंधु, और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना जैक, आजकल किसी भी सरकारी महकमे में काम के लिए जैक और चेक चाहिए, तो जैक अलग है और चेक अलग है, पैसा चाहिए और ऊपर से सिफारिश, तो सबसे बड़ी सिफारिश तुम्हारी क्या है, गुरु बंधु, कि आप गुरु भाई हो, एक ही गुरु के दोनों शिष्य रहे हो, इसलिए एक तो भगवान कृष्ण दीन बंधु है, गरीबों की मदद करने वाले है, कृपा के सागर वो है, क्यों है, दीनों की बंधु है, इसलिए तुम्हारे भाई हुए, तुम पर कृपा करेंगे, पर वो कृपा के सागर है, तुम जैसे दीनहीन गरीब की मदद करने वाले कृपा के सागर तो वो है। और तीसरी बड़ी विशेषता कि वो गुरु बंधु है, अब उनके गुरु भाई है। तुम सम कौन दीन जाको जिए जाने, अरे तुम्हारे समान कौन है जिसके हृदय जिए, हृदय की बात को वो नहीं जानेंगे, अर्थात वो जरूर जानेंगे, आप एक बार गए तो आप पर कृपा वो अवश्य करेंगे। नाम लेत चौगुनी, अरे अगर आप भगवान कृष्ण का नाम लेते तो आपकी मित्रता का प्रेम चौगुना बढ़ जाएगा। गए थे द्वार सगुने, एक बार उनके द्वार पर चले गए तो वो आपके प्रेम को सगुना मानेंगे। अगर आपने उनका नाम पुकारा कृष्ण, तो आपका प्रेम चार गुना हो जाएगा, चार गुना प्रेम मानेंगे। द्वार पर चले गए तो सौगुना प्रेम मानेंगे, और देख तो सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानिए। और अगर आप एक बार उनको देख गए, उनकी नजर में जाके सामने खड़े हो गए, तो वो हजारों गुना प्रेम आपका मानेंगे और आप पर वो अवश्य कृपा करेंगे। ध्यान रखना, ये भगवान श्री कृष्ण की समय महाभारत द्वापर युग की घटना है। द्वापर युग में मामा भी कई हुए थे, मांझे भी कई हुए थे और मित्र भी कई हुए थे, और विशेष तौर से तीन मामा, तीन मित्र, तीन भांजे की कहानी इस महाभारत में प्रसिद्ध रूप से रही है। एक मित्रता थी राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य में, जिसने मित्र ने बाधा किया था, मदद की थी मित्र की,
और वादा किया था दूसरे मित्र ने कि मैं राज बनते युवराज बनते तुम्हारी मांगी मदद कर दूंगा, आधा राज तक तुमको दे दूंगा आना के बाद। लेकिन जब वो मित्र वहां जाता है तो उसको फटकार जाता है कि बचपन में कह दिया होगा, हर कोई थोड़ी मित्र बन जाता है। दूसरी मित्रता थी कृष्ण उस कर्ण की और दुर्योधन की। एक मित्र के लिए अपनी जान दे देता है, मित्र जानता है कि मित्र गलत है, दूसरा मेरे भाई है, लेकिन फिर भी अपने मित्र के लिए जान देता है। तीसरी मित्रता थी कृष्ण और सुदामा की उस महाभारत द्वापर युग में, जिसमें अपने मित्र के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया जाता है। तो ये तीन मित्रता थी। और मामा भी कंस मामा, कृष्ण मामा और शल्य मामा, तीन मामा तीन भांजे थे। तो देखिए विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, के कृष्ण ब्राह्मणों के भगत है, इस बात को जगत में विदित है, वो भाई है। दे लेत सब की सुधि ऐसे महादानी है, वो सबकी सुध लेने वाले से महादानी है। पढ़े एक चटसार कहो तुम क्यों बात, तुम एक पाठशाला पढ़ो, इस बात का तुमने कई बार वर्णन किया है, कई बार उल्लेख किया है। लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानेंगे, अपार नेत्र है वो कैसे नहीं आपको पहचानेंगे, अर्थात आपको अवश्य पहचानेंगे। दीन बंधु है, कृपा के सागर है और उसके ऊपर आपके गुरु भाई है, और तुम जैसा गरीब कोई नहीं है जिसके हृदय की वो बात जानते नहीं है अथवा नहीं जान पाएंगे, अर्थात आपकी मदद वो अवश्य करेंगे। और एक बार अपने नाम लेने पर आपका प्रेम चौगुना हो जाएगा, उनके द्वार पर जाने पर हजार सौ गुना, और अगर आपको एक बार वो देख लेंगे तो आपके उनके प्रेम हजार गुना प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा, ऐसा आपका प्रेम है। तो इसमें सुदामा की पत्नी उनको समझा रही है। अब सुदामा जी पुनः अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि नहीं जाना क्यों उचित है, कि प्रीति में चूक न उनके हरि सो मिलिए वही कंठ लगाए के द्वार गए, कछु देहे पे देहे बे द्वारी का नात है सब लाए के सब लाए के। और या विधि बीत गए पन द्वे अब तो पहुंचो, अब तो पहुंचो वृद्धापन आए के, जीवन की तो है जाके लिए हरिसो अब हो कनावड़ो जाएगी। सुदामा अपनी पत्नी को फिर नहीं यही बात समझा रहे हैं कि भाई कृष्ण सब लायक है, वो देने वाले हैं, कि प्रीत में चूक नहीं है उनकी में, वो सब कुछ दे सकते हैं, देने वाले हैं, अगर चला गया तो गले से लगा लेंगे, लेकिन बचपन बीत गया जवानी बीत गई अब तो वृद्धापन आ चुका है, इसलिए क्राइम को एहसान बंद हो। और सही बात है, जैसे कि हम किसी बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हमारा मंजिल माना कि 200 किलोमीटर की है, हम लगभग 10-5 मिनट में हमारा स्टेशन आने वाला है, और उस समय हम किसी से प्रार्थना करें भैया हमको सीट पर बैठ जाने, तो वो बेकार है क्योंकि अगले 10-15 मिनट में हम उतरने वाले हैं, हमें उतरना है। जो किसी का एहसान मंद हो कि उससे सीट मांगो, तो ऐसा ही है कि जब इतना समय व्यतीत हो चुका है तो क्यों वृद्धापन में बुढ़ापे में क्यों किसी का एहसान मंद हो। तो देखिए कि प्रीत में चूक न है उनके हरिसो, हरिस मुंह मिली ही उठ कंठ लगाएंगे, कि प्रीत ने प्रेम में चूक नहीं है, कृष्ण के प्रेम में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है उनकी हरिस में, हरि के प्रेम में कृष्ण के प्रेम में कोई कमी नहीं है, मुंह मिला ही उठी कंठ लगाएगा, अगर मैं मिल गया तो उठकर वो मुझे कंठ लगा लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे, मुझसे बड़ा प्रेम करती है। और द्वार गए कछु देहे पे देहे वे द्वारिका नाप है सब लाएगी, अरे द्वार पे अगर भी चला गया वो दे या न दे वो अलग बात है, लेकिन वो सब देने लायक है। द्वार पे गए कछु देहे पे देहे, अरे जो देंगे जो दे देंगे, लेकिन वो सब कुछ देने लायक है। एक बार में चला गया तो सब कुछ देने लायक है, वो मेरे को सब कुछ दे देंगे। और आगे कहते हैं कि लेकिन या विधि बीत गए पन दे, या विधि इस प्रकार से बीत गए, दो पन बीत गए हैं, दो पन यानी बचपन युवा जवानी पन, या विधि बीत गए पन दे, दो पन बीत गए हैं, क्योंकि तीन अवस्था होती है बचपन जवानी बुढ़ापा, तो दो पन बीत चुके हैं, अब तो पहुंचो वृद्धापन आएगा, अब तो वृद्धा बुढ़ापा आ गया है,
इसलिए जीवन के तो है जाके लिए हरिसो अब हूं बनावड़ो जाएगे। अब कितना सा जीवन बचा है जिसके लिए हरि से कृष्ण से जाकर मैं उनका कनावड़ हो जाऊं, उनका एहसान मंद हो जाऊं, अर्थात अब मुझे इस वृद्धावस्था में इस बुढ़ापे में उनका एहसान मंद होने की आवश्यकता नहीं है। तो सुदामा जी नहीं जाने की हट कर रहे हैं और सुदामा की पत्नी सुबुद्धि उनको बार बार भेजने की चेष्टा कर रही है। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में हम देवी से आगे प्रारंभ करेंगे जिसमें सुबुद्धि को तैयार कर लेती है और किस प्रकार से जाते हैं वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।